गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। और जैसा हमने हमारी मैथ्स में चैप्टर में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, और उसमें हमने एक्सरसाइज 0.3 तक कंप्लीट भी किया था, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे हम जो भी हमारी क्वेश्चंस गिवन होती है उनको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखते हैं, वो रेशनल या इरेशनल है वो हम कैसे पता करते हैं। अब आज हमें सीखना है कि रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, की जो भी नंबर है हम उनको नंबर लाइन पे कैसे बता सकते हैं वो हमें सीखना है, मतलब एक्सरसाइज 1.4 करनी है। देखो, नंबर लाइन तो आप सबको पता है कि क्या होती है, एक लाइन जिसपे हम नंबर्स को डिनोट करते हैं, हम नंबर्स को बताते हैं कि जैसे ये एक हमारी एक नंबर लाइन बनी हुई है, जैसे ये क्या बनी हुई है हमारी नंबर लाइन। अब इसमें हम नंबर्स कैसे बताते हैं कि कहाँ पे, यहाँ बीच में कहीं एक जीरो होता है और फिर इधर होता है प्लस का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती रहती है, और इधर जीरो के लेफ्ट में होता है -1 -2 -3 -4। फिर फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में जैसे 3/2 4/6 है, तो हम पहले दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल बनाते हैं, और फिर जो भी फ्रैक्शन में होता है जैसे 6 है तो सबके फ्रैक्शन में हम 6 लगा देते हैं, या एक तरह से हम उसको पॉइंट्स में लगा देते हैं। जैसे आपको बोला 0.5, तो 0.5 जीरो और 1 के बीच में होगा तो आप यहाँ लगाते हैं, 1.5 दोनों के बीच में, 1.6 तो वो यहाँ पे एक लाइन होती है। हम इन सबको ऐसे डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर से जैसे आपको बोल दे 3.265, इसको डिनोट करो नंबर लाइन पे, अब हम इसको कैसे नंबर लाइन में बनाएंगे तो वो हमें सीखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखो कि ये 3 है, तो 3 और 4 उन दोनों के बीच में ये नंबर कहीं लाइक करेगा 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3.2 है, तो सबसे पहले 3 और 4 के बीच में हम 3.2 बनाएंगे, फिर 2 के बाद में 6 आ रहा है तो 3.26 और 2.7 के बीच में 3.26 होगा। उसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी नंबर लाइन बनाएंगे। जैसे देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसको हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है, मतलब इसको हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है। सबसे पहले ये देखो 3.7 है, ये 3 और 4 के बीच में ही आएगा, ठीक है, तो हम इसको 3 और 4 के बीच में बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, और यहाँ हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा आपका 4, फिर हम इसको हटा सकते हैं जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लिख देंगे ऊपर नंबर्स 3, ये है आपका 3.1 3.2, ये 3.3, ये 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और ये आपका हो गया 4। मतलब ये 3.7 यहाँ पे कहाँ है, ये रहा। अब 3.76 है, तो ये इन दोनों के बीच में ही होगा, ये जो भी होगा वो आपका इन दोनों के बीच में ही होगा ना, 3.7 और 3.8 के बीच में ही होगा। तो अब 3.7 और 8 के बीच की नंबर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस सबसे पहले 3.7 देखना है वो किसके बीच में आ रहा है, तो वो आ रहा है 3 और 4 के बीच में, तो हमने बना दिया और पॉइंट में आता है। फिर देखना कि 6 है, 7.6 है, तो वो 3.7 और 3.8 के बीच में ही आएगा, तो अब हम 3.7 और 3.8 बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 3.7 3.7, फिर वापस 1 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.8। ठीक है, तो देखो 3.7 से स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा 3.7, ये हो जाएगा 3.8। अब कैसे, देखो 3.71 3.72, इसको थोड़ा थोड़ा मैं पास में लिखती हूँ ताकि ये अच्छे से आएगा, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। ठीक है, अब हमें लगा ना कि 3.76, तो ये रहा 3.76, लेकिन इसके बाद में भी 5 आ रहा है, मतलब वो इसके और इसके बीच में रहेगा, 3.76 और 3.77 के बीच में रहेगा 3.765, क्योंकि इसके बाद में एक डिजिट और है, तो बस उसके अगले और उसके बीच में वो रहेगी।
देखो 3.7 ये रहा, 3.7 और 3.8 के बीच में 3.76 रहेगा। अब 3.76 और 3.77 के बीच में 3.765 होगा, तो हम वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, देखो अब ये वाली इन दोनों के बीच की हम इस नंबर लाइन में बना रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हो जाएगा 3.76 ठीक है। अब देखो ये तो हो जाएगा 3.76, फिर आ जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और ये हो जाएगा 3.77। तो अब देखो 3.765 लोकेट करना था, तो ये रहा 3.765 कहाँ है, ये रहा 3.765, यही लोकेट करना था हमें, तो हमने उसी पॉइंट को यहाँ पे लोकेट कर दिया कि है हमारा 3.765। बस आगे आगे बढ़ता जाना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखो क्या है, 3.7, दो को भूल जाओ, सबसे पहले लोकेट करो 3.7। 3.7 किस किस के बीच में होता है, 3 और 4 के बीच में होता है 3.7। ठीक है, ये रखा, फिर ये देखो कि अब 3.7 तो आ गया, अब 3.76 किस किस के बीच में होगा, ये होगा 3.7 और 3.8 के बीच में। ठीक है, ये भी रखा, अब 3.765 किस किस के बीच में होगा, 3.76 और 3.77 के बीच में। बस इस तरह से आपको ये लोकेट करना है। ओके, इस तरह से बस सिर्फ नंबर लाइन बनानी है और इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, बस जिन दो बीच में आप कर रहे हैं ऐसे उनमें एरो कर दो कि अब हम इन दोनों के बीच में टेबल बना रहे हैं। देखो अब नेक्स्ट 4.2626 को 4 डेसिमल्स तक हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो सबसे पहले तो इसको ओपन करेंगे, 4.26 पे बाहर है तो क्या होगा, 4.26262626 ऐसे ही ओपन होगा क्योंकि 26 दोनों पे बाहर है। हमें अप टू 4 डेसिमल्स तक लेना है, कहां तक लेना है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक के लेना है, तो देखो क्या हो जाएगा 4.2626, मतलब डेसिमल के बाद में 4 प्लेसेस, तो 1, 2, 3, 4 हो गई। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, 4.2 क्या देखेंगे, 4.2 किस किस के बीच में आता है भाई, 4.2 आता है 4 और 5 के बीच में। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में सबसे पहले नंबर लाइन बना लेंगे, किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में बनाएंगे हम, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये हो गया आगे 5। ठीक है, 9 के बाद में डायरेक्ट जो नंबर लिया है वही आएगा, बस ध्यान रखना है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और यहाँ हो जाएगा आपका 5। अब 4.2 कहाँ है, ये रहा, लेकिन 2 के बाद में एक 6 और है, अब ये तो 4.2 और 4.3 के बीच में ही लाई करेगा, ये लाई करेगा किस किस के बीच में, 4.2 और 4.3, मतलब इसकी हम नीचे यहाँ पे बनाएंगे, इसकी टेबल हम यहाँ नीचे बनाएंगे। ठीक है, देखो बनाओ, ठीक है, देखो यहाँ तो हो जाएगा 4.2, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.3। ठीक है, ये हो गया 4.2, 4.21, 4.22, 4.23, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, फिर आ जाएगा 4.3, क्या आ जाएगा 4.3। ठीक है, अब हमें इसमें है 4.26,
यहाँ पे टू होना चाहिए, मैंने ये गलती से 4.4 कर दिया। यहाँ पे 2 4 2 5 2 6 2 7 और 2 8 और 2 9 होगा। ओके 4.24 2 5 2 6 2 7 2 8 और 2 9, ठीक है। अब 4.26, तो ये रहा 4.26, लेकिन उसके बाद में और 2 है, मतलब वो और इन दोनों के बीच में बनेगा, और पॉइंट आते जा रहा है, मतलब वो दोनों के बीच में और आगे बनता रहेगा, ठीक है। तो जितना आगे पॉइंट आते जा रहा है, मतलब उतना उन दोनों के बीच में बनता रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.26, फिर 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.7। एक बार लिख के देख लेते हैं, 4.26, 2.61, 2.62, 2.63, 6.4, 2.65, 6.7, 2.68, 6.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ हो जाएगा 4.27, क्या जाएगा 4.27। अब भी देखो क्या क्या पॉइंट आ गए हमारे, 4.26 आ गए। अब 4.262 का है ये रहा, लेकिन बाद में 1.6 है, मतलब अभी भी इन दोनों के बीच में और यहाँ पे क्या बनेगी, टेबल बनेगी, अभी भी एक बार और बनेगी। बस जितने अब तो डेसिमल प्लेसेस है ना, उतनी तो आपको बार बार बनानी ही पड़ेगी। बस यहाँ पे आप इसमें देखो, मैं 3-3 का गैप ले लेती हूँ ताकि थोड़ा लिखने में सही आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये है 4.262, 4.261, 4.2621, 4.262, आप पहले ही लिख लो भली सब है। अब देखो वन हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यह हो जाएगा 4.263। हमें क्या लोकेट करना है, 4.2626, ये रहा 4.2626, तो ये हमको बस ऐसे लोकेट करना है। जैसे जैसे डेसिमल बोला जा रहा है, वैसे वैसे बस आपको डेसिमल्स आगे बढ़ाता जाना है और उसको लिखते जाना है। बस जैसे जैसे डेसिमल उसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3 बढ़ते जाएंगे और ये आपकी टेबल बस बड़ी होती जाएगी, जो नंबर लाइन है वो बस बड़ी होती जाएगी, और इस तरह से आप इसको ऐसे सॉल्व करते रहोगे। ओके, ठीक है। तो देखो आज हमने सीखा है कि नंबर लाइन पे कैसे इनको बनाते, कैसे इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे बनाते हैं। तो इसके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि डेसिमल के जहां जितने पॉइंट है उतनी ही आपकी लाइन बनेगी। जैसे इसमें देखो डेसिमल के बाद 3 पॉइंट है तो 3 नंबर लाइन बनी, इसमें डेसिमल के बाद 4 पॉइंट है तो अपने 4 नंबर लाइन बनी, 5 पॉइंट दे देंगे तो ये एक बार और बढ़ जाता। बस ध्यान रखना है कि वो किस किस के बीच में आ रहा है, बस फिर उसमें आप नंबर लाइन बढ़ाते जाओ तो वो आपकी अपने आप बन जाएगी। जैसे आपके बुक में तो दे रखा है कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप कैसे बनाते, मतलब मैग्नीफाइंग करके बताया हुआ है कि देखो इनके बीच में ये पॉइंट होगा। अब हम बार बार मैग्नीफाइंग ग्लास तो बना नहीं सकते, तो इसलिए हमने नंबर लाइन को ही बड़ा किया है, ठीक है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है और अच्छे से इसे सॉल्व करना है। ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।